स्वागत है आप सबका। आज एक GTA 5 पे वीडियो बनाऊंगा बिकॉज कि आप सबको पता है GTA 5 जो है अभी एपिक गेम्स लॉन्चर या फिर एपिक गेम्स की वेबसाइट पे टोटली फ्री हो चुके हैं। रॉकस्टार गेम्स ने यह बहुत बड़ा कदम लिया है एंड अगर ये GTA 5 अभी फ्री हुई तो उसके पीछे का और एक रीज़न भी हो सकता है कि GTA 6 बहुत ही जल्द आने वाली है। हमें तो लग रहा है GTA 6 बहुत ही जल्द आने वाली है, तो मैं बहुत ही बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। अब तो GTA 6 जैसे ही आएगी हम तो परचेस करने ही वाले हैं। तो गाइज अभी तो सब GTA 5 परचेस कर लिए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि ऑनलाइन में खेलना कैसा है, करना क्या है। एंड GTA 5 प्रीमियम अकाउंट दे रहा है तो उसके साथ आपको $1 million मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा कि उससे वो $1 million को इन्वेस्ट कैसे करें। बहुत सारे लोग उससे सिर्फ गाड़ियाँ या फिर और कुछ ले लेंगे, लेकिन नहीं, $1 million कुछ नहीं है GTA 5 ऑनलाइन में। तो मैं आपको उसके बारे में भी सिखाऊंगा कि वो $1 million आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे ही आपके अकाउंट में आ जाए। एंड चलते हैं अभी वीडियो की ओर। पहले तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है, फिर मैं बताऊंगा कि आप दोस्त के साथ कैसे खेल सकते हो। मैं आप खुद करके दिखाता हूँ। ओके, सो ये मेरा एपिक लॉन्चर है, मैं इसमें फोर्टनाइट खेलता हूँ तो ऑलरेडी मेरे पास एपिक लॉन्चर है, लेकिन मैंने नया अकाउंट बनाया है तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्रोम में जाना है, लिखना है epicgames.com, ठीक है, epicgames.com। एंड एपिक गेम्स की वेबसाइट पे जाते ही ऐसा आ जाएगा। एंड यस, यहाँ पे तो ये मेरा अकाउंट है, लॉगिन है, मैं उसको साइन आउट कर देता हूँ। मैंने मेरा अकाउंट साइन आउट कर दिया है, यहाँ से अब साइन इन करना है। यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपके पास अकाउंट है कि नहीं। आपको ये चीज़ यूज़ ही नहीं करनी है बिकॉज इससे पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इससे आपका एपिक गेम्स के साथ अकाउंट बन ही नहीं रहा है। फेसबुक, गूगल, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स एंड निंटेंडो स्विच, ये चीज़ मैं प्रीफर करूँगा मत यूज़ करो। आप नया अकाउंट बना दो, यहाँ से साइन अप करो। ठीक, यहाँ पे ये चेक कर दो दोनों बॉक्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, और ये बन गया अपना अकाउंट, हम लॉगिन हो गए। आपको ऐसा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसमें करना ये कि ये जो शेयर है उसको सिर्फ उसकी सही डायरेक्शन में ऐसे खड़ा हो, ऐसे सेट करना है। ये कैमल भैया कैमल, और ये आपको पर्टिकुलर टाइम में कर देना है, पर्टिकुलर सेकेंड्स के, अगर उससे ज़्यादा सेकंड हुई तो वो मशीन ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि आप रोबोट हो ऐसा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया मेरा अकाउंट साइन अप। अब आपके अकाउंट पे आएगा वेरिफिकेशन, तो मैं जा रहा हूँ अपने GTA के ईमेल पे, आपके ईमेल पे आएगा वेरिफिकेशन कोड 6 digit का, तो आपको जाना है, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, ठीक, यहाँ पे ये जो कोड है 001821 मैंने डाल दिया वेरीफाई ईमेल। अब आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस पूरा वेरीफाई हो चुका है, अब आपको करना कुछ नहीं है, ये सब हो गया। यहाँ से आप जाइए गेट एपिक गेम्स, वहाँ से आप एपिक लॉन्चर, ये देखो यहाँ पे एपिक लॉन्चर मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है, तो एपिक लॉन्चर आपका डाउनलोड हो जाएगा, फिर उसको इंस्टॉल करो। एंड इंस्टॉल करते ही मैं एक चीज़ प्रिफर करूँगा आपको कि सी ड्राइव में जहाँ पे आपकी SSD है वहीं पे एपिक गेम्स को इंस्टॉल करो बिकॉज की गेम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। एंड ये हो गया आपका फ्री गेम, मिस्ट्रीज गेम GTA 5, क्योंकि रॉकस्टार ने अभी अभी डाला है रिक्वायर्स 2FA, फ्री है लेकिन रिक्वायर 2FA, मतलब कि 2FA जो सिस्टम है आपको ये जो अगर कोई लॉगिन करता है आपके अकाउंट से तो पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं 2FA सिस्टम। आपके मेल पे आएगा OTP, उसको डालना पड़ेगा आपको खुद को, फिर ही कोई भी बंदा इवन खुद आप भी लॉगिन उसके बाद ही कर पाओगे, तो उसको बोलते हैं 2FA। एंड प्रीमियम अकाउंट मिल रहा है, प्रीमियम अकाउंट मतलब कि
प्रीमियम अकाउंट में आपको $1 मिलियन मिलेगा ऑनलाइन में बोनस कैश, एंड उसके साथ साथ जो आपके कैरेक्टर के जो पैसे रहेंगे वो तो मिलेंगे उसके साथ, सही है। तो लाइक आपको शायद स्टार्टिंग में 80,000 या 50,000 मिल सकते हैं, उसके बाद आपके $1 मिलियन आएंगे। तो उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि स्टार्टर पैक 7 से 10 दिन लेगा आपके अकाउंट में एक्टिव होने के लिए, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे को बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि लाइक मेरा $1 मिलियन अभी तक आया नहीं है, मेरा प्रीमियम अकाउंट अभी तक स्टार्ट हुआ ही नहीं है, तो उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एपिक गेम्स ने खुद बताया कि 7 से 10 दिन लेगा ये चीज़ करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे लोग एक साथ डाउनलोड कर रहे हैं उसको, एंड सबके अकाउंट में $1 मिलियन यार एपिक गेम भी तो कुछ ना कुछ करती होगी, एंड उसके ऊपर रॉकस्टार को सबको पैसे देने पड़ेंगे ना 1 मिलियन, तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, लाइक 7 से 10 दिन मैक्सिमम है, उसके अंदर अंदर आपका पैसा आ जाएगा $1 मिलियन। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब वहाँ से आप परचेस मत करो, यहाँ पे आओ, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डालता हूँ। ओके, सो जैसे ही आप लॉगिन करोगे यहाँ से, ऐसे एपिक लॉन्चर में लॉगिन होगा, एंड मैं आपको दिखाता हूँ 2FA आपको इनेबल कैसे करना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बिना वो गेम परचेस नहीं होगी, आपको पहले से ही बता देगा कि आप पहले 2FA इनेबल करो, उसके बाद भी आप कर सकते हो। होम पे देखिए मेरे पास फोर्टनाइट पड़ी है इसलिए ये, और यहाँ पे GTA 5 है गाइस, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगी GTA 5। अगर यहाँ पे नहीं दिख रही तो मैं बता रहा हूँ स्टोर में जाओ, तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो GTA 5 है यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते ही आपको दिख जाएगा फ्री गेम्स, यहाँ पे ये मेगा सेल्स के नीचे ये फ्री गेम्स, यहाँ पे जाओ GTA 5 के ऊपर, कंटिन्यू करो इसको और इसको यहाँ से परचेस कर दो, परचेस इनेबल, देखो यहाँ पे इनेबल 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपको ये करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप कर दीजिए, लॉगिन होगा वापस, इनेबल, ये देखो मेरा भी आया इनेबल ऑथेंटिकेटर ऐप, नहीं एप्लीकेशन नहीं करना, इनेबल ऑथेंटिकेटर ईमेल, तो मैं ईमेल से ही डालूंगा, एंटर द सिक्योरिटी कोड टू एंटर। ओके, तो यहाँ पे वन टाइम OTP आएगा, कैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो 6-डिजिट कोड आया 7793 5, को यहाँ पे डाल दो, कंटिन्यू हो गया, इनेबल डन कर दो, खत्म बात। अब यहाँ पे आप वापस आओ, यहाँ से करो परचेस, ये देखो यहाँ पे आपका GTA 5 फाइनली आप परचेस कर रहे हो $0 में, देख रहे हो यहाँ पे $0, और इसकी रिसीप्ट आपके ईमेल पे भी आएगी जो मैं आपको दिखाता हूँ, $0 देखो, और मेरे पास ये कूपन है तो मेरे को कूपन भी दिखेगी, तो कोई बात नहीं उसका तो कोई सी नहीं। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर दो, आप सक्सेसफुली आपने अपने GTA परचेस कर लिए, एंड जैसे ही आप ये GTA परचेस करोगे यहाँ पे आपको इंस्टॉल का भी आएगा। अगर यहाँ पे नहीं आ रहे तो आपको कहाँ पे जाना है, लाइब्रेरी में जाना है, और आपके पास जितनी गेम है आपको यहाँ पे सब दिखाई देगी, तो आपको यहाँ से बस अब इंस्टॉल करने की देरी है गाइज। ये हो चुका सक्सेसफुली आपका GTA परचेस। अब मैं बात करता हूँ कि आप GTA ऑनलाइन खेल कैसे सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो अभी बात यह है कि GTA तो आपने एपिक गेम से इंस्टॉल कर दी, सही है। जब आप GTA एपिक गेम से इंस्टॉल करोगे तो आपको रॉकस्टार लॉन्चर डाउनलोड करने को बोलेगा, बिकॉज द रॉकस्टार लॉन्चर से ही आप ऑनलाइन खेल सकते हो, ऑफलाइन भी आप रॉकस्टार लॉन्चर से ही खेल सकते हो। तो परचेस करने के बाद आपको रॉकस्टार लॉन्चर डाउनलोड करना है, रॉकस्टार लॉन्चर जैसे ही आप डाउनलोड करोगे उसको ओपन करना है, लॉगिन करके जो आईडी आपने वहाँ पे डाली है वही आईडी से आप यहाँ पे लॉगिन करो, एंड फिर यहाँ पे देखो मेरा तो परचेज है, मेरा पूरा GTA 90 GB का डाउनलोड हो रखा है, तो यहाँ पे प्ले का ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप कर दो पूरा डाउनलोड, इंस्टॉल हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको दिखाता है जो भी अभी चल रहा है लाइक रिवॉर्ड, एंड यहाँ पे वीकली रिवॉर्ड होते हैं, तो ये गाड़ी आपको कैसीनो में मिलेगी स्पिन करने के ऊपर, ऐसे ऐसे सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है कि क्या चल रहा है अभी GTA ऑनलाइन में, सही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब कि कैसे आपको करना है दोस्तों के साथ खेलना है GTA ऑनलाइन, ठीक है। अब मैंने प्ले बटन दबा दिया, मैं आपको एक बात पहले से ही बता दूँ कि गाइस GTA ऑनलाइन के
इंडियन सर्वर्स जो है ओशियन सर्वर्स, वो ऐसा नहीं है कि लाइक इंडियन सर्वर्स ही बहुत लोड लेते हैं, GTA 5 के ऑनलाइन सर्वर्स बहुत ज़्यादा लोड लेते हैं, तो उसकी वजह से लोडिंग होने में बहुत ज़्यादा थोड़ी देर लग सकती है। उसकी वजह ये नहीं कि आपकी गेम क्रैश हो चुकी है या फिर कुछ हो चुका है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, तो आपकी GTA 5 ऑलरेडी लोड हो रही होगी। देख रहे हो मेरी GTA 5 चालू हो रही है यहाँ पे। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको ये वाला ऑप्शन आएगा GTA 5 डबल रिवॉर्ड। लाइक अभी आपको गन रनिंग सेल मिशन है, जो गन रनिंग वेपन मिशन है, बंकर सीरीज बोनस, ये सब पे आपको डबल रिवॉर्ड मिलेगा, डबल RP, डबल GTA डॉलर्स, यू नो। तो अब बात करते हैं GTA ऑनलाइन की, कैसे खेल सकते हो GTA ऑनलाइन। तो मैं आपको बता दूं कि पहले आपको होम बटन दबाना पड़ेगा, आपके कीबोर्ड से होम की दबाइए, उसमें सोशल में जाइए, आपको आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब दिखाई देंगे। यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, ये सब इसमें से ये एक क्रिटो खेल रहा है, एंडलेस गेमर। तो देखो मुझे उसका सेशन ऐसे ज्वाइन करने का आएगा, 3 सेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा, तब आपको दिखाई देगा कि वो खेल रहा है कि नहीं। अगर आप किसी सेशन में हो तो आप उसको यहाँ से इनवाइट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उसको मेरे सेशन में इनवाइट करना चाहता हूँ। तो पहले तो आपको क्या करना होगा कि सोशल यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल दो, आपके फ्रेंड का जो भी नाम है यहाँ पे फाइंड कर दो, ठीक, ऐसे फाइंड कर दो, मेरा नाम मैं डाल कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मिस्टर आयुष 55, ठीक, ये हो गया मेरा नाम। ये देखो मेरा यहाँ पे प्रोफाइल आ चुका है, ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल है, एंड ये हो चुका GTA 5 आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट, आपने डाल दिया फ्रेंड को। फिर अब आपको क्या करना है कि आपको ऑनलाइन में नहीं जाना है, बिकॉज कि अगर आप ऑनलाइन में जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा लोड होगा। तो आपको ये मेरी ट्रिक है जो मैं हर वक्त करता हूँ, आपको क्या करना है, स्टोरी मोड में जाओ आप, ठीक है, स्टोरी मोड में जाओगे तो ऐसे ही लोडिंग होता रहेगा, धीरे 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 लोडिंग होगा। एंड ये जो आप में मैंने आपको बताया कि वो गाड़ी मिलती है कसिनो की, ये रोल स्पिन से, तो आपको हर रोज 24 घंटे के अंदर एक बार ये स्पिन करने का मौका मिलता है, एंड आप ये सब चीज़ें जीत सकते हो, कोई भी एक चीज़ें आपके ऊपर गाड़ी भी आ सकती है तो आप गाड़ी भी जीत सकते हो। तो अब ये स्टोरी मोड पूरा लोड होगा, उसके लिए तकरीबन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 2-3 मिनट लग सकती है। ओके सो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे स्टोरी मोड में पहुँचते हो, देखो आपके फ्रैंकिन भैया आपके सामने है। अरे फ्रैंकिन कैसे हो, ठीक है, ये बाहर आओगे तो इसकी गाड़ी पर ये बाहर एकदम चकाचक, ये हो गया आपका स्टोरी मोड लोड, ठीक। आपने पहली बार स्टार्ट किया है तो आप ये अल्ट बटन दबा के यहाँ पे आपका कैरेक्टर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा अब ऑनलाइन, लाइक एस्केप मार के यहाँ पे जाओ, ऑनलाइन ऑनलाइन में जाओ एंड प्ले GTA ऑनलाइन में जाना है आपको। अगर आपका कोई दोस्त खेल रहा है ऑलरेडी तो ज्वाइन फ्रेंड कर सकते हो, अगर नहीं खेल रहा है आपको अपना अलग सेशन ज्वाइन करना है, करो प्ले GTA ऑनलाइन एंड गो। जैसे ही आप गो करोगे ना तो वो कोई भी रैंडम सेशन में आपको डाल देगा, लाइक आप कोई भी जो रैंडम सेशन होगा उसमें चले जाओगे। अगर आप दोस्त लोग कोई सिर्फ खेलना है तो क्या करो, इनवाइट ओनली सेशन करो, बट इसका यहाँ पे देखो सिर्फ लिमिटेड चीज होती है जो आप कर सकते हो, आप सिर्फ जिसके साथ खेलना चाहते हो उसके साथ ही खेल पाओगे, आपको इन्वाइट करने पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर बताया पीछे कि ज्वाइन सेशन के साथ साथ आपको और एक दिखाई देगा ऑप्शन इनवाइट योर फ्रेंड, तो वो आपको करना है अगर आपने ये किया है तो। एंड सोलो सेशन में सिर्फ आप ही खेल पाओगे, लेकिन उसमें भी मैंने बताया कि आप कुछ चीज़ें कर पाओगे कुछ चीज़ें ही नहीं कर पाओगे, जो कि लाइक वेपन है वो सब मैं आपको बताऊंगा। आप इसमें सिर्फ मल्टीपल मिशन ही कर सकते हो, ये सब जो मनी फैक्ट्री एंड वो सब के जो मिशन है वो आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे, आपको करना है यहाँ से गो एंड आप ऑनलाइन चले जाओगे, ठीक है। जैसे कि आप ऑनलाइन यहाँ पे चले जाओगे तो ये हो गया जो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो उसके बारे में, अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हो
ऑल्ट बटन दबा के रखना स्टोरी मोड में आने के बाद, एंड नीचे आपका कैरेक्टर दिखेगा उसके ऊपर माउस नीचे करना है तो आपका उसके ऊपर चला जाएगा। एंड मैंने ये तो आपको ये पूछेगा कि अगर आप पक्का हो आप जाना ही चाहते हो बिकॉज कि आपका स्टोरी मोड का जो भी कोई प्रोसेस होगा वो लॉस्ट हो जाएगा, वो सेव नहीं होगा। मैं ये दबा दूंगा एंटर एंड ये हो गया वापस GTA ऑनलाइन। उसका थोड़ा ही लोडिंग लेगा जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन में जाते ना तो आपका मिनिमम पाँच मिनट तो मिनिमम चला जाता, ऐसे ही करके आपका 5 से 10 मिनट ले सकता था वो। लेकिन ये एक ट्रिक है कि आप पहले स्टोरी मोड में जाओ तो आपका जो भी वो पहले टेक्सचर है, इफेक्ट है, वो सब आप वहाँ पे सेट करो एंड फिर ऑनलाइन में जाओ। बिकॉज कि अगर आपको पता है कि आपका लैपटॉप या PC जो भी है वो इतना ग्राफिक्स नहीं झेल पाएगा, इतना ग्राफिक्स हैंडल नहीं कर पाएगा, तो आप स्टोरी मोड में ही जाके वहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर 10 मिनट के लोडिंग के बाद आप ऑनलाइन में गए, फिर आपको पता चला कि मेरी गेम तो लैग हो रही है, तो फिर आप वापस सेटिंग्स चेंज करोगे, वापस रिस्टार्ट करने को बोलेगा, तो लाइक आपका माइंड फक हो जाएगा कि भाई मैंने 10 मिनट पूरा ये किया, लोड हुआ, मैंने वेट किया, फिर भी मेरे को वापस रिस्टार्ट करने का। मेरे को तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, लाइक मेरे को है ना लिटरली अगर सेशन से किक कर देते हैं ना ये, लाइक 3 मिनट से ज़्यादा तुम EF का नहीं दे सकते हैं, सेशन से किक हो जाता है तो फिर जो लोड लेने में टाइम लगता है। ओके सो हम आ चुके हैं अपने पेंट हाउस पे एंड देख रहे हो जैसे ओ भैया हमारे रूम में ओ हेलो बुगाटी कहाँ पे आ गई। अरे भाई तो ये देख लो हमारे सेशन में हैकर भी आ चुके हैं। मैं इसी वजह से आपको बताता हूँ, अब मैं एक ऐसा भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप हैकर से बच के काम कर सकते हो। ये भाई मैं क्या कैसे निकल सकते हो। ओके तो मैं बताता हूँ ऐसे ही आपको कि ये हो गया, आप आ गया ऑनलाइन सेशन में, ठीक है। अब आपको अगर आपके फ्रेंड को इनवाइट करना होम बटन दबाइए, होम बटन में सोशल पे जाइए, सोशल में जाके यहाँ पे क्रीटो है, अगर मेरे को उसको इनवाइट करना मैं ऐसे इनवाइट करूँगा इनवाइट टू गेम, ठीक। वो आ गया देखो, गेम सेंड टू क्रीटो हैज़ इनवाइटेड यू टू हर अपार्टमेंट। देखो मेरे को एक बंदे ने इनवाइट भी किया है उसके अपार्टमेंट में, तो मैं चला गया। देखो सो गाइज वो था वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, ये मेरे को कोई हैक करके परेशान कर रहा है। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मैंने आपको दिखा दिया कि आप कैसे खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ साथ। ओ भाई ये क्या है के आप अपने दोस्तों के साथ कैसे खेल सकते हो, कैसे ज्वाइन कर सकते हो अपने दोस्त को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कॉमेंट कीजिए नीचे, एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे अपने GTA 5 ऑनलाइन के बारे में। आप तो हर रोज एक एक वीडियो तो आएगा ही पक्का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड हिट दैट लाइक बटन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन इफ यू आर न्यू अराउंड हियर। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट। अरे भाई ये क्या है, हेलो।